शुभ प्रभात सभी को। और कल मैंने बाल कटाया था जस्ट, और मैंने जो गाड़ी का जो टायर चेंज कराया था तो अभी एक लफड़ा हो गया है। क्या हुआ है कि जो गाड़ी का मैं जो टायर चेंज कराया था वो हल्का सा जब मैं चेंज कर रहा तो थोड़ा सा छना हुआ था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो पूरा छन चुका है। तार जो उसके पूरे बाहर आ चुके हैं, हवा जो उसमें रुक नहीं रही है, हवा पूरी निकल जा रही है, एक बार पूरी हवा निकल जा रही है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आज खड़ी हो चुकी है। गाड़ी मैं चला नहीं रहा हूँ, तो अब दूसरा टायर लेने की जुगाड़ चल रही है। बेकार चेंज मुझे फिर से कराना पड़ेगा। और जो उसका जो नया टायर है वो आ रहा है 2900 के आसपास का आ रहा है, 2900-3000 के आसपास का आ रहा है, रेडियल टायर आ रहा है। और जो नॉर्मल जो आता है वो 2500 के आसपास आता है। तो अब देखते हैं, या तो फिर सेकंड में फिर से डलाऊंगा, या मैं फिर से डलाऊंगा तो मैं इस बार देख कर डलाऊंगा, या तो फिर मैं नया डलाऊंगा, तो जो भी हो देखेंगे। सो टायर की बहुत बुरी दशा हो चुकी है, मैं अभी आपको थोड़ी देर से दिखाऊंगा। अभी मैं दुकान जा रहा हूं, और वैसे अभी मैं जा रहा हूं अपने दुकान के लिए एक होल्डर लेने, मतलब बल्ब और होल्डर लेने, क्योंकि हमारे मम्मी की दुकान है फोटोकॉपी की। सो उसमें क्या होता है, गर्म पेज नहीं होता, ठंडे पेज में फोटोकॉपी नहीं होती है। तो उसको करना पड़ता है कि बल्ब लगा कर, एक बॉक्स में बल्ब लगा कर उसमें पेज रख दिए जाते हैं ताकि पेज गर्म हो जाए और उससे फोटोकॉपी हो जाए। सो मैंने कभी अपने बारे में इंट्रो कभी अपना दिया नहीं, मैंने अपने कभी परिचय पूरा नहीं दिया। तो आज मैं अपने ऑफिस में जाकर मैं पूरा परिचय दूंगा, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करना है मुझे, कहाँ जाना है मुझे, सब बताऊँगा अभी ऑफिस में। अभी जो मेरे मोबाइल में एक बहुत अच्छा फीचर हो रखा है वो ये है कि मतलब मैंने अपडेट किया था तो उसमें ऑटोमेटिक ऐसा फीचर आ गया है कि जैसे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे पीछे हेडसेट जो दिख रहा है वो ब्लर हो गया है, मतलब मेरे पीछे जो हेडसेट दिख रहा है वो आपको ब्लर हो चुका है। ये अच्छा फीचर है, इसमें बहुत अच्छा फीचर है, ये अभी आया करंटली जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑटोमेटिकली आया, मतलब मैंने पोर्ट्रेट मोड में नहीं बना रहा हूँ, जैसे अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनाता हूँ तो पीछे ब्लर आएगा, लेकिन मैं पोर्ट्रेट मोड में वीडियो नहीं बना रहा हूँ फिर भी ऑटोमेटिकली ब्लर आ रहा है। हम तैयार हो गए, रेडी हो चुके हैं, नहा लिया है, खा लिया है, अब निकल रहे हैं अपने ऑफिस को। तो अभी आपको दिखा दूँ मेरी गाड़ी का जो टायर है उसकी कंडीशन, आपको दिखाता हूँ कितनी गंदी हो चुकी है उसकी कंडीशन, तार कहाँ कहाँ से निकल रहा है आपको दिखाता हूँ। अभी एक मिनट रुकिएगा, अभी आप यहाँ से टायर देखो, लगेगा ही नहीं कि ये टायर पुराना है या फिर छना हुआ है। देखो यहाँ से इसकी ग्रिपिंग देखो, देखो कितना नया रखा हुआ है, देखो मेरी उंगली चली जा रही है, कितना नया है यहाँ से, कितना नया है। और यहाँ पर भी ज़्यादा छना नहीं है लेकिन फिर भी छना है, बीच से छना हुआ है। जब मैं ले रहा था जब मैं समझ में नहीं आया कि बीच में इतना छना हुआ है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको तार वाले एरिया जहाँ से तार निकले हैं वहाँ से वो दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए गाइस, ये इस तरह कुछ इसके तार निकल रहे हैं, यहाँ कहीं से हवा निकल रही है, यहाँ पे कुछ गड़ गया था, ये देखो टायर में पूरी हवा नहीं है, ये दब रहा है अंदर की ओर, ये दब रहा है, यहाँ से कहीं हवा निकल रही थी बहुत तेज़, तो ये तार निकल चुके हैं इसके। यहाँ पर तो देखो ये बहुत गंदे तार निकल चुके हैं, यहाँ पर भी देखो ये पूरे तार निकल रहे हैं बाहर की ओर। सो ये पूरा टायर जा चुका है, अब एक ही उपाय है कि टायर दूसरा लेना पड़ेगा हमको। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये टायर का साइज़ है 180/55/17, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, और सामने डाला है इसमें 180/17, ये भी जा चुका है, सामने डलवाऊँगा मैं 120 टायर। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे ऑफिस। सो जैसे कि मैंने कहा था आपसे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा, हाथ नहीं पकड़ लेते हैं चलो। वैसे परिचय तो मुझे पहले ही दे देना था, जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग करी तब मुझे परिचय दे देना था, तब मैंने नहीं दे पाया, तो अब दे रहा हूँ परिचय अपना। सो गाइस, मेरा नाम है राहुल कवड़े और मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में। अभी इसी इस जगह का नाम नर्मदापुरम हुआ, पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था, अभी इस जगह का नाम नर्मदापुरम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस जगह से हमारी पहचान, जिस चीज़ से हमारी पहचान है वही नाम रखा गया है हमारी सिटी का, तो बहुत अच्छी बात है ये। मतलब नर्मदा जी से ही हमारी पहचान है, नर्मदा जी से ही हमारी पहचान रहेगी हमेशा, और नर्मदा से ही हमारी पहचान है, नर्मदा से हमारी हमेशा पहचान रहेगी, और वही हमने नामकरण कर दिया है। हमने नहीं करा, मतलब हमारे CM शिवराज सिंह चौहान ने नाम चेंज कर दिया है नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो चुका है। मेरी माता जी हैं, मेरी माता जी दुकान चलाती हैं, और मैं ऑफिस में अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा काम है वसूली का और MPL का काम, मतलब मेरा MP ऑनलाइन का काम, तो यही है। और घर पे बताते हैं, हमारी माता जी हैं, माता जी बहुत प्यारी हैं, बहुत संघर्ष किया उनने। पिताजी मेरे 7 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, मतलब मेरे पिताजी शांत हो चुके थे 7 साल की एज में, तो मैं 7 साल का था तो मेरे पिताजी शांत हो गए थे। तब से ही माता ने हमारा ख्याल रखा है, उन्होंने हमको बड़ा किया है, पाला पोसा बड़ा।
बहुत संघर्ष किया भाई मेरी माता ने, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। अब से मैं वीडियो में भी उनको रेगुलरली लूँगा, क्योंकि मैं अब रेगुलर व्लॉग चालू कर रहा हूँ। सो आप भी रेगुलर देखिएगा, व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मजा है। एंड करते हैं आपको व्लॉग, अगर बहुत अटकन होती है, सो गाइस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और हल्की सी बूंदाबांदी चल रही है, व्लॉग को भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं ऑफिस में हूँ और हम लोग जाएंगे वसूली पे, राजेश आ रहा है, हम लोग जाएंगे वसूली पे। सो ये व्लॉग को एंड करते हैं और दूसरे व्लॉग को चालू करते हैं। सो बूंदाबांदी चल रही है हल्की सी, ये